हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक इम्पोर्टेड माउस की, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो गेमिंग के लिए कैसे बेस्ट है और क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें उसकी पोटेंशियल, उसकी स्मूथनेस, वो तमाम चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, यानी हम एक माउस की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूँगा कि वो माउस क्यों बेस्ट है और गेमिंग के लिए क्यों बेस्ट है। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगर आप भी अपने लिए एक ब्रांड न्यू माउस लेना चाहते हैं और आप उसकी आपको नहीं पता कि आप कौन सी कंपनी का माउस लें और कौन सा माउस बेस्ट है, तो ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे एक माउस की, जिसमें हम आपके लिए एक माउस लेके आए हैं। आप उस माउस के ज़रिए गेमिंग कर सकते हैं, उसको उसके ज़रिए आप अपने माउस की स्मूथनेस चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो माउस होते हैं ना, ये गेमिंग के लिए बने होते हैं। आप इसमें अगर आप स्मूथनेस गेमिंग करना चाहते हैं, आप एमुलेटर पर गेमिंग करना चाहते हैं, तो ये माउस आपके लिए हैं। तो चलते हैं और हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं अपने ब्रांड न्यू माउस की। तो हम क्या करते हैं, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये है हमारे पास एक माउस है जिसका नाम है डेमिसीज़र। बेसिकली एक इम्पोर्टेड माउस है, आप देख सकते हैं ये एक इम्पोर्टेड माउस है, इसका नाम है डेमिसीज़र। बेसिकली ये एक गेमिंग माउस है, ये टॉप गेमिंग इक्विपमेंट है। ये आपको, ये इम्पोर्टेड माउस है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी जो फ्रेम रेट है, वो इसका फ्रेम रेट है 3000 तक इसका फ्रेम रेट है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्मूथनेस की बात करें तो वो 500 500 मीटर पर सेकेंड इसका क्लिक रेट है। यानी आप जब आप एक क्लिक लगाते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो 500 मीटर है, यानी एक क्लिक की स्मूथनेस इतनी है। इसका जो फ्रेम रेट है वो 3000 है। और अगर हम इसकी बात करें इसके एग्रीगेट की, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर है, 3D एक्यूरेट इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक बहुत अच्छा माउस है और ये इसकी जो स्मूथनेस है वो भी बहुत कमाल की है। आप जब इस माउस को इस्तेमाल करेंगे, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये माउस किस कदर इसकी स्मूथनेस के बारे में आप ख़ुद जानेंगे कि इस माउस की स्मूथनेस कितनी है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने एक माउस रखा हुआ है, ये माउस आप देख सकते हैं। और हम अगर हम बात करें इसकी एरोजेंटली की, तो ये बिल्कुल बैलेंस है। तो ये एक D8 डेमिसाइज़र एक गेमिंग माउस है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेसिकली आप ये बेसिकली गेमिंग के लिए बनाया गया है, आप गेमिंग कर सकते हैं इसमें, आप एमुलेटर पर गेम कर सकते हैं। यानी ये बेसिकली माउस गेमिंग के लिए बनाया गया है, आप इजीली इस पर अपनी गेमिंग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये इसका बहुत कमाल का 3D स्ट्रक्चर है। इट्स लाइक जैसे आपने वो मूवीज़ देखी होंगी एमुलेटर वाली, इसका डिज़ाइन वैसे ही तैयार किया गया है। ये देखें, ये इसकी शेप है और ये बहुत कमाल का माउस है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी स्मूथनेस का, आपको इसकी इसकी 3D क्वालिटी और स्ट्रक्चर का पता लगेगा, और इसके क्लिक रेट और इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आप जानेंगे कि कितनी स्मूथनेस है इसकी फ्रीक्वेंसी में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।